अस्सलाम वालेकुम नाजनीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पेपर चिकन लीवर ड्राई बना रहे हैं, चलिए उसकी रेसिपी दिखाएंगे। ये 1.25 किलो किडनी लीवर है, ये इसको धो के अच्छे से क्लीन करके पानी सोख करके रख लिए हैं। एक मीडियम साइज की प्याज चॉप करके ही, और 1 स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून अदरक का पेस्ट, 1 स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, साल्ट अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर ले सकती हैं। एक ये थोड़ा हरा धनिया है, 6 हरी मिर्च है, इसे चीरा लगा के रख लिए हैं। अब स्टोव ऑन करके 100 ml ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब प्याज डालेंगे। प्याज का कलर बदल गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन, अदरक, अदरक लहसुन में खुशबू आ गई है, हरी मिर्च, हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे। ये ऑयल मैं कबाब का ऑयल ली हूँ, ये आप घर में जो कबाब का लेते हैं वो ऑयल डाल के हूँ, आप कौन सा भी ऑयल डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे, डालकर मिक्स कर लेना। साल्ट भी डालेंगे। ब्लैक पेपर और हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेके अब इसमें घट वाली किडनी डालकर मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। ये किडनी है ना थोड़ा सख्त होती है, इसलिए 10 मिनट तक लिड बंद करके उसको सिम में दम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब खोलकर चेक कर लेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं। इसके साथ ही अब ये लीवर भी डालेंगे। डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। लिड बंद करके 5 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे। लीवर को ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब खोलकर ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। ऑयल इसमें छूटने लगा है पेपर चिकन लीवर में, ये बहुत अलग टेस्ट आता है। सब अलग अलग डिश का अलग अलग टेस्ट है, ये पेपर लीवर चिकन का बहुत टेस्ट अलग रहता है। आप भी बनाकर ट्राई कीजिए, ये खाने के मतलब चावल के साथ, ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है बना के खाने से। तेल सेपरेट होने लगे, अब है ना हरा धनिया डालेंगे। खुशबू भी अच्छी आ रही है अभी भी, अभी से अब मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए लिड बंद करके दम में छोड़ देंगे, चिकन लीवर रेडी हो जाता है। पेपर चिकन लीवर बनकर रेडी हो चुका है, बहुत टेस्टी है, बहुत चटपटा है। आप भी बनाकर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।